जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये। किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात
जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।